सुप्रभात, मैं संजय घेतोड़ी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा नाइन्थ में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय में आज हम पाठ दो, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस पाठ में हम कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। इससे पूर्व में हमने इसी विषय में पहला पाठ देखा था, जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था। जिन्होंने देखा है ठीक है, जो अब तक नहीं देख पाए हैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है इस वीडियो के, आप उसमें जा कर के उस चैप्टर को समझ सकते हैं। हालांकि आपको इस वाले अध्याय के जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए गए हैं, उम्मीद है आपने वो लिख भी लिए होंगे। अब उनको जो टॉपिक्स आपने लिखे थे उनको यहाँ पर हम समझा भी रहे हैं, तो आप ज्योग्राफी को जितना बेहतर ढंग से समझ पाएंगे उतना ही आप उसको अच्छे से याद कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं पाठ को, भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे कि हम भारत में या हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ एक विशेष प्रकार की हमें आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे पहाड़ देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे, पठारी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप भारत का मैप है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से हम देखते हैं, हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। ये वाली पूरी बेल्ट आप जो देख रहे हैं ये पर्वतों वाली हो गई, पहाड़ों वाली बेल्ट हो गई। फिर बीच में हम देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र हो गया, उत्तर का मैदान इसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो देख रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ ये पठारी क्षेत्र हो गया। तो अब इन्हीं को हम और थोड़ा विस्तृत यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो भारत की जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे उनको मैं यहाँ पर उनके नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लेंगे। यहाँ पर जो भारत का हम भौगोलिक वितरण जो कर रहे हैं वो हम छह भागों में यहाँ पर अध्ययन के दृष्टि से उसको छह भागों में बांट रहे हैं। पहला हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा हो गया उत्तरी मैदान, तीसरा इसमें लिख लेते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा हम इसमें लिख दे रहे हैं भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। पांचवा हम इसमें लिख दे रहे हैं तटीय क्षेत्र, और छठा हम इसमें लिख दे रहे हैं द्वीप समूह, द्वीप समूह। हमने इन छह भौगोलिक आकृतियों में अध्ययन की दृष्टि से इनका नाम लिख लिया है, अब हम इनको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक बार इन छह की छह भौगोलिक विचरण को मैप में देख लेते हैं कहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया उससे आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसमें हमने लिखा हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये वाली जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई ये वाला, ठीक। यहाँ पर ये वाला पहला वाला जो पॉइंट लिखा हमने यहाँ पर मिलेगा। दूसरा हमने इसमें लिखा उत्तरी मैदान, तो उत्तर भारत का मैदान ये वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत का मैदान के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला क्षेत्र। फिर हमने लिखा इसमें प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में पूरा हिस्सा ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी भौगोलिक आकृति कहाँ पर विशेष रूप से पाई जाती है। फिर हमने लिखा इसमें भारतीय मरुस्थल, तो भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता हुआ, यहाँ पर हम थार का मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ पर 15 सेंटीमीटर से कह लें या 15 सेंटीमीटर कह लो चाहे 150 मिलीमीटर से कम वर्षा वार्षिक जहाँ पर होती है वह मरुस्थल हो गया। उसके अलावा हमने इसमें देखा द्वीप समूह, तो द्वीप समूह कहाँ हो गया, एक तो ये वाला द्वीप समूह हो गया लक्षद्वीप समूह, और एक ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो छह जो हमने भौगोलिक वितरण यहाँ बोर्ड में लिखा है वह कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा हमने भारतीय मानचित्र, जो भारत का मानचित्र है उसकी सहायता से आपको बता दिया है। अब हम इसमें पढ़ते हैं इन छह भौगोलिक आकृतियों में सबसे पहले इन सब का जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से पर्वत पठार और मैदान, इनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ है, अलग अलग समयावधि में इनका निर्माण हुआ है। जैसा आप ये देख पा रहे हैं मूल भारत प्रारंभ से ऐसा नहीं था, जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत ये वाला था, एक प्रायद्वीपीय पठार जो है यह प्राचीन भारत था, अर्थात ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गुजरात से नीचे वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे
ये जो है मूल भारत है, प्रायद्वीपीय पठार जो है यह प्राचीन भारत है, मूल भारत जो है वह ये वाला है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ इस चीज को हम देखेंगे। ये जो छह की छह आकृतियां लिखी हमने, इनका जो निर्माण हुआ है अलग अलग कालखंड में उनका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वह प्रायद्वीपीय पठार का हुआ। आपने ये सब लिख लिए होंगे, मैं आप इसको मिटा भी सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर चित्र वगैरह बनाने की आवश्यकता पड़ेगी या मैं थोड़ा इधर करूंगा। तो अब इसमें सबसे पहले ये वाला हिस्सा आया, मैं दिखा, जो आप ही पूरा भारत देख रहे हैं ना, भारत पूरा यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं, शुरू से ही ऐसा नहीं था। सबसे पहले इस वाले हिस्से का ये वाला हिस्सा था। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, इसमें गुजरात से नीचे वाला हिस्सा है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया मैप से, ये वाला हिस्सा यहाँ से ये नीचे वाला हिस्सा, ये पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को हमने बनाया। तो सबसे पहले प्राचीन भारत की हम बात करें तो यही वाला आएगा, लगभग एक चतुर्भुज जैसा आकार है यह प्रायद्वीप ये पठार भी इसीलिए कहते हैं इसको, प्रायद्वीपीय पठार भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो प्राचीन भारत की हम बात करें तो यही वाला भूखंड यहाँ पर था। बाद में फिर पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको हम नवीन हिमालय पर्वत कहते हैं, फिर उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। तो सबसे मूल जो हिस्सा है वह यह हिस्सा है। अब यह हिस्सा यहाँ पर जहाँ पर अभी भारत है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आया कैसे उसको समझते हैं। पहले क्या था, बहुत पहले जो हम जो अभी हम देखते हैं सात महाद्वीप हैं, तो तब क्या था, एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, पैंगिया महाद्वीप। पैंगिया महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था पहले, पैंगिया जिसको कहते थे। आज हम देख रहे हैं सात महाद्वीप हैं, पहले एक ही महाद्वीप था जिसको पैंगिया कहते, सात के सात महाद्वीप मतलब इसी में एक ही भूभाग था। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, प्लेटें आपस में आंतरिक हलचल होती है, पृथ्वी के अंदर प्लेटें आपस में जुड़ती हैं अथवा टूट करके अलग हो जाती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आपकी किताब में एक शब्द देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अभिसार और अपसार, दो शब्द मिलेंगे। तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में आपस में जुड़ना अथवा आप टूट करके अलग हो जाना, ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो जब दो प्लेटें आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं अभिसार, और जब एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं तो उसको कहते हैं अपसार। तो पहले ये पैंगिया महाद्वीप एक ही था, जो सात के सात महाद्वीप हैं इसी में थे। फिर क्या हुआ, इनमें आंतरिक हलचल होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्लेटें आपस में टूट करके अलग अलग होती चली गई, और इस तरह से जो ये सात महाद्वीप कहे तो उनका निर्माण हुआ। तो इसी में से टूट करके एक प्लेट, उन प्लेटों के नाम जैसे बता रहा हूं आपको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऐसे करके वो सात की सात प्लेटें टूट करके अलग अलग होती गई। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, उस वही प्लेट जब टूट करके अलग हुई तो उसमें से ये जो टुकड़ा था, ये जो हिस्सा था ये वाला, अब आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, पृथ्वी सब तरफ पानी ही पानी है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको चाहे आप गोंडवाना लैंड कह दें, चाहे आप इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जैसा भी आप चाहें, तो ये वाला जो एक टुकड़ा है भूमि का, ये जब अलग हुआ तो वहां से टूटने के बाद यह जल में प्रवाहित हुआ उत्तर पूर्व की तरफ, और उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए ये यहां पर आकर आया जहां पर अभी वर्तमान भारत है। यहां पर ये वाला टुकड़ा आया सबसे पहले। ध्यान देंगे, जो हम पूरा भारत का मैप बनाते हैं उसमें प्रायद्वीपीय भारत कई बार कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब यही वाला हिस्सा हो गया जिसको पठारी भारत कहते हैं, जो मूल ये पृथ्वी का मूल हिस्सा है। और तो बाद में बने, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला बाद में बनी, उत्तर का मैदान बाद में बना, लेकिन ये जो है यह मूल पृथ्वी का टुकड़ा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसको चाहे आप देखने को आपको पढ़ने को मिलेगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी पढ़ने को मिलेगा, गोंडवाना लैंड भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये भारत मूल भारत यही है, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कई बार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं, इधर जल है अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, और यहाँ पर
जहाँ पर अभी उत्तर भारत का मैदान है या जहाँ पर अभी नवीन हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर था टेथिस सागर, यहाँ पर टेथिस सागर था पहले। इस चीज कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये टेथिस सागर था यहाँ पर, को यहाँ अरब सागर हो गया, अभी भी है ये अरब सागर, और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप भारत भी कई बार कहते हैं, तो प्रायद्वीप भारत इसको इसीलिए कहते हैं। तो ये इसका मूल हिस्सा है। तो ये बहते बहते आया उत्तर पूर्व में, और जहां पर वर्तमान जहां हम अभी हैं, तो यहां पर ये पहुंचता है भूमि का ये वाला हिस्सा। अब उसके बाद ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक, मूल हिस्सा है, इस तरह से यहां पर पहुंचा। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके संबंध में और भी तथ्य हैं, बाद में कभी हम जब विद्यालय विद्वत खुलेगा तब इसको और हम विस्तार से इसको और समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। इतना तो कंफर्म हो गया कि जो ये मूल भारत, अभी जो हम ये भारत का स्वरूप देख रहे हैं, वर्तमान में जो हम स्वरूप देख रहे हैं, शुरू से ऐसा ही स्वरूप नहीं था। ये क्या था कि अलग अलग कालखंड में इसका निर्माण हुआ। सबसे पहले भूमि का टुकड़ा आया, प्रायद्वीपीय भारत जो मूल भारत था, यह इसमें यह पृथ्वी का मूल हिस्सा है जो यहां तक पहुंचा है। अब हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। अब हिमालय के बारे में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानना बहुत जरूरी था, वह हम यहाँ पर जान चुके हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि यह एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। गोंडवाना भी भूमि भी कहते हैं कि गोंडवाना भूमि में ये वर्तमान भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका आदि बहुत सारे अभी के जो देश हैं ये सब उसमें थे। तो बाद में उस गोंडवाना भूमि से भी ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी यह अलग होकर के उत्तर पूर्व में और आई, और जहाँ पर भी भारत है वहाँ पर यह पहुँची। तो कभी आप एक और चीज़ देखें, दक्षिण अफ्रीका का मैप देखें और भारत का मैप देखें, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण वाला जो हिस्सा, भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यह लगभग एक जैसा। इसकी वजह यह है कि गोंडवाना भूमि में सब एक ही हिस्से में थे, बाद में फिर इनमें बिखरा हुआ टूटे, तो फिर उस गोंडवाना भूमि से एक टुकड़ा अलग होकर के जिसको हम इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, वो भारत, ये जहाँ वर्तमान भारत है यहाँ पर पहुँचा। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इस चीज़ को हम देखेंगे। तो ये तो हो गया, ये वाला तो हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह लो, चाहे इसको कह लो गोंडवाना भूमि, ठीक, गोंडवाना लैंड कह लो, चाहे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह लो। एक तो ये हो गया, बीच में क्या था यहाँ पर टेथिस सागर था। हिमालय का निर्माण कैसे रहा वो समझ रहे हम यहाँ पर, ये टेथिस सागर था। उसके बाद एक यहाँ पर भूभाग था, फिर इस तरह से भूभाग था, एक भूभाग था यहाँ पर जिसको कहते थे अंगारा लैंड या अंगारा लैंड, अथवा चाहे अंगारा लैंड कह लो, चाहे इसको जैसे हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा तो इसको यूरेशियन प्लेट कह लो, यूरेशियन प्लेट कह लो चाहे, ठीक। तो यहाँ क्या था, नीचे गोंडवाना लैंड था अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, बीच में टेथिस सागर था, और इस तरफ था जो भूमि थी वह था और यूरेशियन प्लेट या अंगारा लैंड। तो अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसके संबंध में दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है, नाम लिख रहा हूं मैं, हिमालय के निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। एक तो है भूसन्नति सिद्धांत, ठीक, इस सिद्धांत को दिया, भूसन्नति के सिद्धांत को दिया जर्मन के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पोवर का भूसन्नति सिद्धांत। एक तो यह हिमालय के निर्माण के संबंध में सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है हिमालय के निर्माण से संबंधित दूसरा सिद्धांत है वह है हैरी हैस, अमेरिका के विद्वान हुए हैं हैरी हैस। तो इन्होंने दिया है एक हिमालय के निर्माण में एक संबंध सिद्धांत जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा जाता है।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह लो चाहे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह लो। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया हैरी हैस ने और भूसन्नति का सिद्धांत दिया है कोवर ने। चलो चूंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में है तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, नवीन हिमालय की बात कर रहे हैं हम, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। बाद में जब कक्षाएं आपकी लगना प्रारंभ होगी तब भूसन्नति के सिद्धांत के बारे में भी बता देंगे कि भूसन्नति सिद्धांत क्या था करके। तो फिलहाल हम हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में हैरी हैस जो विद्वान हैं इनके सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथिस सागर था, टेथिस सागर के उस पार उत्तर में अंगारा लैंड था। ठीक, अंगारा लैंड का मतलब इसमें इस तरह का वाला ये वाला क्षेत्र, तिब्बत वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया जहां पर सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी आज निकलती हैं, वो वाली पूरी जो श्रृंखला हो गई वह, और भारत में जो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वो सब पार हिमालय के अंतर्गत आता है, पार हिमालय का ये वाला ही हिस्सा होगा। उसके बाद फिर नवीन हिमालय आएगा, नए हिमालय के जब हम भाग देखेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अब क्या हुआ, हमने कहा पृथ्वी में क्या है, प्लेटें आपस में जुड़ती भी हैं जिसको अभिसार कहते हैं और टूट करके अलग भी हो जाती है जिसको अपसार कहते हैं। अब यहाँ पर एक भूखंड आ चुका है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर आ चुकी है या गोंडवाना लैंड यहाँ पर आ चुका है और इसके उत्तर में समुद्र है, टेथिस सागर जिसको कह रहे हैं, और टेथिस सागर के उत्तर में एक भूभाग है जिसको कह रहे हैं अंगारा लैंड या यूरेशियन प्लेट। अब ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिमुख होती हैं, अभिसार होगा यहाँ पर, दोनों जो एक भूमि के टुकड़े हैं एक दूसरे की तरफ आते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से क्या होता है, ये वाला जो उठा हुआ हिस्सा है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये वाला हिस्सा इससे मिल जाता है और फलस्वरूप यहाँ पर जो भूभाग है वह, यहाँ पर जो अब भूभाग होगा वह उठ जाएगा, इस तरह से उठ जाएगा वो वाला भूभाग, तो वही हिमालय कहलाया, नवीन हिमालय कहलाया, जो इसके कोने थे अंदर की तरफ धंस गए और वो वाली प्लेट इससे मिली। यहाँ पर तो द्रोणी का निर्माण हो गया है, एक गहरी बहुत गहरी घाटी जैसा एक द्रोणी का निर्माण हो गया, यहाँ पर गहरे गर्त को समझ लो द्रोणी का निर्माण हो गया यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा जो है उठ गया ऊपर की तरफ, पहाड़ बन गया है, बीच में द्रोणी बन गई और नीचे जो है पठारी भूभाग है। तो फिर ये वाला जो हिस्सा हुआ इसी को हम कहते हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय का निर्माण इन दो प्लेटों के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप हुआ जो ये वाला हिस्सा है। फिर बीच में जो द्रोणी बनी थी, जहां पर सागर था यहां पर जो द्रोणी बनी, इस द्रोणी को भरने का काम किया हिमालय से निकलने वाली नदियों ने। जो हिमालय से नदियां निकली, हिमालय से भी नदियां निकली है प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां निकली, आप लोगों को जानकारी है कि नदियां अपने साथ अवसाद बहा करके लाती है अर्थात मिट्टी वगैरह बहा करके लाती है, उस मिट्टी के यहाँ पर लगातार जमा होने से इस द्रोणी में लगातार वह मिट्टी जमा होती चली गई और फलस्वरूप उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। तो अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, अब हिमालय का निर्माण यहाँ पर हो गया है तो अब हिमालय को हम थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के जब हम भाग करते हैं तो हिमालय के जो हम भाग देखेंगे हिमालय के तीन भाग हुए मुख्य रूप से। नवीन हिमालय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नवीन हिमालय की बात कर रहे हैं, नवीन हिमालय ये वाली पर्वत श्रृंखला हुई, ये वाली पर्वत श्रृंखला है ऐसे यहाँ तक, इसका विस्तार कहाँ तक है थोड़ा सा देखेंगे। इधर जम्मू कश्मीर से लेकर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, पश्चिम से पूर्व में इसका इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो विश्व में सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम से पूर्व में विस्तार वाली सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से पूर्व में लगभग 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह है। और भारत में इसका विस्तार कहां पर है थोड़ा सा ही देख लेंगे, भारत में इधर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इधर
फिर ये इधर यहाँ जम्मू कश्मीर में दो तरफ चले जाए, एक तो अफगानिस्तान में चला जाता है जिसको हिंदू कोश, जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान में चला गया उसको हिंदू कोश पहाड़ी कहते हैं, अफगानिस्तान में मुड़ जाता है वो पाकिस्तान में चला जाता है उसको सुलेमान पहाड़ी कहते हैं, ऐसे ही पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है म्यांमार होते हुए वो जो समुद्र हिमालय पर्वत है समुद्र में उसका विलय हो जाता है, समुद्र में जा करके मिल जाता है। अब हिमालय को हम तीन भागों में मुख्य रूप से बांट देते हैं नवीन हिमालय को, तो पहला एक तो हो गया, पहला हो गया इसमें बृहद हिमालय, बृहद हिमालय कह लें इसको, हिमाद्री कह लें अथवा इसको महान हिमालय कह लें, दो तीन नामों से इसको जानते हैं ऐसे। इसके बाद हो गया दूसरा, हो गया फिर लघु हिमालय अथवा इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, फिर तीसरा हो गया बाह्य हिमालय, इसको शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, आप अपनी किताब जरूर पढ़िएगा उसमें सारी चीजें लिखी। तो ये हिमालय पर्वत के भाग हो गए तीन, ये किस रूप में हमने भाग किए हैं, ऊंचाई के आधार पर जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह बृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगी, जैसे त्रिशूल है उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें, नंदा देवी है, कामेत है, ये सब बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। फिर लघु हिमालय में आएंगे जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल की श्रेणियां हैं वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ऊंचाई के हिसाब से ज्यादा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो होंगी बृहद हिमालय में होंगी, उससे कम जो होंगी वो लघु हिमालय में होंगी। फिर बाह्य हिमालय में जो होगा, बाह्य हिमालय में ये गिरिपात प्रदेश होता है, गिरिपात प्रदेश का मतलब पहाड़ लगभग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर मिट्टी ये चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो इस तरह से इन्हीं हिमालय में ही जैसे देहरादून है, नैनीताल है, फिर उधर जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, यह सब इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे अब बृहद हिमालय, लघु हिमालय में कुछ प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलते हैं, पर्यटक स्थल, ये सब इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये वर्गीकरण हुआ ऊंचाई के आधार पर। इसके अलावा आपको कहीं ये किताबों में ये पढ़ने को मिलेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस का अर्थ हो गया पार। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी चीजें आ जाती हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय का कौन सा क्षेत्र आता है, वो वाला क्षेत्र जहां पर तिब्बत है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम है, वाली पर्वत श्रृंखला पार हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। अर्थात जो नवीन हिमालय हुआ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले जो यूरेशियन प्लेट में जो पर्वत श्रृंखला थी उसको हम पार हिमालय के अंतर्गत मान सकते हैं, ठीक, हिमालय के उस पार वाली श्रृंखला हो गई। तो इन्हीं ये जो ये ऊंचाई के आधार पर हो, ठीक हो गया, इतना आप समझ पाए होंगे। अब ये तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण हो गया। एक विद्वान है सिडनी बुराड करके उनका नाम है, उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। ये तो ऊंचाई के आधार पर हो गया, नदियों के आधार पर का मतलब क्या हो गया अभी थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर से ये वाला जो क्षेत्र हुआ ये निकली यहां से सिंधु नदी, सिंधु नदी ये वाला क्षेत्र यहां सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी, ये हिमाचल प्रदेश और ये वाला क्षेत्र हम ले लेंगे, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र हुआ सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय। नदियों के आधार पर वर्गीकरण है कश्मीर हिमालय। बहुत सारी चीजें बोल भी रहा हूं, कुछ लिख भी दे रहा हूं, तो उसको सुनते हुए आप नोट्स बना लेंगे। सिंधु और सतलज नदी के बीच में हो गया कश्मीर हिमालय, यहां से लेकर के यहां तक, फिर उसके बाद सतलज से लेकर के काली नदी अपने उत्तराखंड में काली नदी तक का हो गया कुमाऊं हिमालय। अब देख लेंगे हम सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक का जो हिमालय पड़ता है नदियों के आधार पर वर्गीकरण इस तरह से, तो उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक हो गया कुमाऊं हिमालय हो गया। फिर उसके बाद काली नदी से लेकर के
ये तिस्ता नदी हो गई, जो सिक्किम है यहाँ पर, ये तिस्ता नदी वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला जो हिमालय हो गया, इसको कहते हैं काली से तिस्ता तक के बीच का जो हो गया इसको कहते हैं, ये सब किताब में भी है आप इसको पढ़ लेंगे, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। और उसके बाद ये तिस्ता से लेकर दिहंग, दिहंग नदी इसी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग नाम से जाना जाता है, आगे नदी वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो तिस्ता से लेकर दिहंग तक, दिहंग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, यहां तक के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। तो इस तरह से ये नदियों के आधार पर वर्गीकरण हो गया हिमालय का, और वो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण था। अगर ट्रांस हिमालय की बात आती है तो ट्रांस हिमालय कौन सा हुआ वो हमने बता दिया। ट्रांस हिमालय का मतलब नवीन हिमालय से के पहले से जो पर्वत श्रृंखला थी उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसमें हमारे जो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से हिमालय के उस पार वाला क्षेत्र हो गया, या उसको आप इस तरह से यूरेशियन प्लेट के लगभग अंतर्गत भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि नदियां वहीं से पहले से बहती थी। हिमालय के निर्माण से पहले से जो नवीन हिमालय है उसके निर्माण से पूर्व से वो नदियां बहती हुई बहती आई है। नदी वाले चैप्टर में उसको हम और विस्तृत देखेंगे। तो ये इस तरह से हम देखेंगे हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हिमालय विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम से पूर्व में विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह इसका जो क्षेत्र पहले हुआ 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में यह कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ तक इसका विस्तार भारत की हम बात करें तो भारत में है। तो यहाँ पर सिंधु गार्ज का निर्माण होता है, इधर दिहंग गार्ज का निर्माण होता है, इसको नदी वाले चैप्टर में भी आप विस्तार से देख पाएंगे। अब हिमालय की उपयोगिता क्या है, अब यही बात आगे प्रश्न आ जाता है कई बार कि हिमालय के क्या लाभ है। तो हिमालय के क्या लाभ है, एक तो सबसे पहले क्या लाभ है, हिमालय जो है भारत के उत्तर में है, तो भारत में वह भौगोलिक दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है ही है, सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है, एक पहरेदार की तरह है, उत्तर में स्थित है जिससे हम शत्रुओं से भी यह एक पहरेदार के रूप में रक्षा करता है। उसके अलावा हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो सदानीरा होती हैं। सदानीरा का मतलब जिनमें वर्ष भर जल भरा रहता है, जैसे गंगा है, गंगा की अन्य बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, यमुना आदि जो नदियाँ वह सब हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियरों से निकलती हैं, और ग्लेशियरों में बर्फ गिरी रहती है, तो गर्मियों में भी जब बर्फ पिघलती है तो इन नदियों का जब स्तर बना रहता है तो नदियाँ वर्ष भर जल देती हैं हिमालय से निकलने वाली। उसके अलावा हिमालय में जो हिमालयी क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, बहुत अधिक यहाँ पर जैव विविधता भी पाई जाती है। औषधीय गुणों से युक्त वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। जो यहाँ की जलवायु है वह स्वास्थ्यवर्धक होती है। उसके अलावा हिमालय की क्या उपयोगिता, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कर्क रेखा जो यहाँ से होकर के गुजरती है, भारत के आठ राज्यों से होते हुए जाती है, भारत को लगभग दो भागों में बांट देती है। जो कर्क रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा है उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंध में क्या रहता है, गर्मी अधिक होती है, तापमान उच्च होता है, वर्षा अधिक होती है, और कर्क रेखा से उत्तर वाला जो हो जाएगा वह कैसे में आ जाएगा, शीतोष्ण गठबंध के अंतर्गत आ जाता है वह। तो लेकिन हिमालय के होने से क्या रहा कि कर्क रेखा यहाँ पर जो है जलवायु विभाजक ना बन पाई, हिमालय बना वहाँ पर, तो हिमालय की वजह से क्या रहा, हमारे यहाँ जो तापमान है वह भी ना यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, विदेशों में देखेंगे तो कई महीनों तक वहाँ बर्फ गिरी रहती है। तो भारत जलवायु की दृष्टि से भी बड़ा समृद्ध देश है, तो यहाँ पर ना अधिक बहुत अधिक गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है, वो सब किसकी वजह से, हिमालय की वजह से। हिमालय ही एक कारण है जो चीन और रूस से आने वाली साइबेरियन बहुत ठंडी हवाएं होती हैं उनको भारत आने से रोकता है, जिससे हमारा जो जलवायु है तो मौसम बहुत अच्छा बना रहता है। और उसके अलावा जो ठंड के समय में हमारे यहाँ बरसात होती है, जो यहाँ पर बर्फ गिरती है जनवरी दिसंबर फरवरी के टाइम पे जो बर्फ गिरती है, या मैदानी क्षेत्रों में जो जलबूंदों के रूप में बारिश होती है,
उस सबको कराने में भी सहायक कौन है? हिमालय, क्योंकि हिमालय यहाँ से आने वाली जो पवनें होती हैं, वो जो पवनें वहाँ से आती हैं, हिमालय से टकराने के बाद यहाँ पर वर्षा कराते हैं। जलवायु वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे 9th में, उसमें इसकी क्रियाविधि को और विस्तार से समझेंगे। इसलिए हिमालय का इस प्रकार से हम देखेंगे तो बहुत अधिक महत्व है। तो कुल मिलाकर के आज हमने इसमें देखा कि सबसे पहले भारत में प्रायद्वीपीय भारत था, एक पठारी भूभाग था जिसमें जो पृथ्वी का मूल हिस्सा है, गोंडवाना भूभाग था, पेंजिया महाद्वीप से अलग हुआ गोंडवाना भूभाग था। गोंडवाना भूभाग में दक्षिण अफ्रीका, भारत आदि बहुत सारे देश थे, उनमें से एक प्लेट फिर अलग हुई जो उत्तर पूर्व बहते हुए यहाँ पर पहुँची। इसके इस तरफ अरब सागर था, यहाँ बंगाल की खाड़ी थी, ऊपर टेथिस सागर था, फिर टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलने से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार फिर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय से अनेक नदियां निकली और उन नदियों ने अपने साथ लाए हुए अवसाद से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया। तो अब हम अगली वीडियो में उत्तर भारत के मैदान के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे।